एमटीसी ट्यूटोरियल्स के लिए विजिट कीजिए www.mtctutorials.com। और हेलो दोस्तों, मैं रफीकुल हीरो आपके साथ फिर एक बार जुड़ गया हूँ नए अपडेट के साथ। और आपको इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। हर व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, सिर्फ एक ही सवाल कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो आपको हम क्लियर करेंगे इसी वीडियो में कि देश का प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। सबसे बड़ा खेला किया है नीतीश कुमार ने, जी हाँ नीतीश कुमार। चलिए दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छी तरह से हम समझाने की कोशिश करेंगे। 4 तारीख को जब वोट काउंटिंग हुआ तो नरेंद्र मोदी के पास 291 सीट और राहुल गांधी के पास आया 334 ऐसे कुछ। तो और यहाँ से देखें कि नायडू के पास 16 सीट और नीतीश कुमार के पास 12 सीट। तो मोदी के पास है यहाँ से 291 सीट। तो उसका तो बहुमत नजर आ रहा है कि देश का प्रधानमंत्री फिर से वो बनेंगे। लेकिन यहाँ से बड़ा खेला कर दिया नीतीश चाचा ने। तो चलिए जानते हैं वो बड़ा खेला क्या क्या है। नीतीश कुमार कभी तेजस्वी यादव के साथ हवाई अड्डे में सफर करते हैं, कभी दिल्ली चले जाते हैं, कभी अखिलेश के साथ गुलदस्ता ले लेते हैं। दिमाग का इस्तेमाल है, दिमाग यहाँ से बहुत लगाते हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार चाहते हैं कि हमारे पास जो 12 सीट है वो 12 सीट में कहीं अगर हमें पीएम बनने का मौका मिल जाए तो वो रास्ता भाई छुकेगा नहीं। तो यहाँ से नरेंद्र मोदी ने फिर से उसे चिट्ठी लिखा और कहा कि अगर आप महागठबंधन में चले जाते हैं तो आप जो हमारे उम्मीदवार बन के खड़े हुए और हमारे लोगों ने आपको वोट दिया तो उनके दिलों को ठेस आप कैसे पहुंचा सकते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने फिर से एक बार पाल्टी मार दिया यहां पर कि नीतीश कुमार और नायडू तो कभी आया नहीं था, नीतीश कुमार फिर से मोदी के पास चला गया। और गाइस आपको बता दूं 2024 का प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है इस वीडियो में आपको हम क्लियर करने वाले हैं। हर किसी के दिमाग में बस एक ही सवाल कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन होगा। देश का प्रधानमंत्री कोई हो, चाहे राहुल गांधी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, आपको दोनों में से कोई भी खाने को नहीं देगा या आपको पैसे नहीं देने के नहीं आएगा या आपको कोई भी हल समाचार पूछने के लिए आपका घर तक नहीं आएगा। इसीलिए गाइस मैं आपको बता दूं कि देश का प्रधानमंत्री तो राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी बनेगा ही। उससे पहले आपको छोटा सा मैसेज हम देना चाहते हैं, हटाइए ये वोट बखला का सवाल, जो बनना था वो बन जाएगा। और इसी वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। लेकिन आप लोग अपना काम काज में ध्यान दीजिए ताकि आपका परिवार सुखी हो। भूत की तरह, पागल की तरह भूत मत बनिए कि सिर्फ रट लगाए रखे राहुल गांधी बनेगा तो भाई हमको खाने को जगह हमसे मिलने के लिए आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा आपसे मिलने के लिए, आपको खाने के लिए आपको पूछेगा तक नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वोट के चक्कर में मत रहिए, प्रधानमंत्री जो भी बनेगा बनेगा। भाई हमको 5 किलो अनाज मिलता था, अब शायद 10 किलो मिलेगा या क्या मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो आपको 9 तारीख के बाद ही पता चलेगा। और इस वीडियो में आपको हम क्लियर करने वाले हैं कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो बस हमारा कहने का मतलब यही था कि राहुल गांधी की तरफ भी ध्यान मत भटकाइए और नरेंद्र मोदी की तरफ भी ध्यान मत भटकाइए। आप रोजगार में जाइए, आप इससे पहले जो काम करते थे, बिजनेस करते थे, काम करते, जो भी करते थे, वो काम में जुट जाइए ताकि आपका परिवार सुखी हो और अच्छे से अपनी जिंदगी बिताए। तो चलिए आपको हम बताना चाहेंगे कि देश का प्रधानमंत्री कौन होने जा रहा है। चलिए गाइस आपको बता दूं कि देश का प्रधानमंत्री 9 तारीख को शपथ कौन लेने वाला है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी। तो गाइस उससे पहले आपको बता दूं कि ये वीडियो कोई फेक वीडियो नहीं है, जो भी हम गूगल में सर्च करके देखा कि हाँ 9 तारीख को शपथ लेने जा रहे हैं तो उस शख्स का हम नाम बताने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच सुना है आपने, यूट्यूब में बहुत देखे होंगे, लेकिन आपको इस वीडियो में हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि 9 तारीख को जो प्रधानमंत्री का शपथ लेने वाले हैं उसका नाम है श्री नरेंद्र दामोदर मोदी। तो गाइस बिल्कुल सच सुना आपने और ये वीडियो कोई फेक वीडियो नहीं। 9 तारीख को अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप 9 तारीख को देख लीजिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी करेगा ए रफीकुल हीरो, क्योंकि मैंने आज तक कोई फेक वीडियो ऐसा बनाया नहीं, फेक न्यूज किसी को दिया ही नहीं। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यह वीडियो किसी के दिल को ठेस पहुँचाने के लिए मैंने नहीं बनाया है। यह वीडियो केवल सच्चाई से भरा हुआ है और यह मैसेज जो हमको मिला वो किसी बंधु से मिला, किसी सज्जन से मिला। क्योंकि देखिए भाई, मैं एक यूट्यूबर हूं तो हमारा भी पहुंच कुछ ऊपर तक है, हमारा भी दोस्त बन चुका है आप लोगों का प्यार में। बस यहां तक लाए हैं तो और भी थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके।